क्यों चलते चलते लड़खड़ा जा रहे हैं कदम, क्यों मंजिल के पास आते ही टूट जा रही है हिम्मत। जब सबसे ज्यादा देश को जरूरत होती है तभी क्यों खामोश हो जाता है बल्ला। इंग्लैंड सीरीज में भारत की शर्मनाक हार की सबसे बड़ी वजह खुद सचिन तेंदुलकर है। मास्टर ब्लास्टर के लिए सीरीज बेहद खास मानी जा रही थी क्योंकि 100वां शतक जड़ने से सचिन महज एक कदम ही दूर थे, लेकिन इंग्लिश सरजमीन में जो कुछ भी सचिन के साथ हुआ उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। It's like people saying in the nervous 90s. You're nervous when you start. Why do you get nervous when you made 90-odd runs? So I think eventually he will do it. अपने बल्ले से मैच का रुख बदलने वाले सचिन तेंदुलकर अंग्रेजों के खिलाफ नर्वस 90s का शिकार हो गए और आंकड़े गवाही दे रहे हैं उन्हें 100वां शतक ठोकने में कितनी परेशानी हो रही है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में अपना आखिरी शतक 2 जनवरी 2011 को अफ्रीका के खिलाफ लगाया था और उसके बाद अब तक खेले 4 टेस्ट मैचों में वो शतक नहीं लगा पाए। ठीक उसी तरह मास्टर ने वनडे में 12 मार्च 2011 को प्रोटियाज टीम के खिलाफ ही अपना आखिरी शतक जड़ा था। इसके बाद खेले 4 वनडे मैचों में वो सेंचुरी नहीं ठोक पाए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद सचिन तेंदुलकर पर अब शतक बनाने का दबाव इतना ज्यादा है कि हर बार नर्वस 90s और पारी की शुरुआत में ही आउट हो जा रहे हैं। लिहाजा अगर टीम इंडिया को अंग्रेजों से टेस्ट में मिली हार का बदला लेना है तो मास्टर ब्लास्टर को अपने आप को जगाना ही होगा, एंडरसन की स्विंग और मनोवैज्ञानिक दबाव का जवाब देना ही होगा, वनडे में टीम को लीड करना ही होगा। कैंटरबरी से राजीव मिश्रा, इंडिया। 91 for Tendulkar,